वो हमारे साथ शामिल हो गए इस कार्यक्रम में। अभी का जो सत्र है वो ये है कि हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो अपने स्कूल में, अपने गांव में कैसे काम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हैं और अपनी मेहनत से पूरी एसएमसी को किस तरीके से एकजुट कर रहे हैं और स्कूल एजुकेशन और बच्चों की शिक्षा में क्या योगदान कर रहे हैं, इस पर हमने एसएमसी सदस्यों में से करीब 12 लोगों को चिन्हित किया है जो अपनी बातचीत यहाँ पर रखेंगे और जिनका कि यह सम्मेलन है। तो मैं यहाँ से उनका नाम लूँगा और वो साथी इस मंच आप लोगों के लिए वो यहाँ पाएंगे और अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे साथी पटना बिहार के श्री नरम राम जी हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझको बिहार पटना के बिहटा के कौन है बेटा है मिंटू देवी है मोतिहारी बिहार। हमारे साथ लातेहार में झारखंड का जिला है लातेहार विपिन सिंह जी है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पर है। मैं हमारे यूपी एसएमसी फेडरेशन के हम लोगों ने स्कूल ने एसएमसी सदस्यों का जो फेडरेशन बना रखा उसके अध्यक्ष श्री राम बहादुर जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मंच पर है। हमारे बीच में आगरा से श्री सुल्तान खान जी है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पर है। हमारे बीच में कुशीनगर से सीमा देवी जी है, मैं उनको भी अनुरोध कर रहा हूँ कि मंच पर है। हमारे बीच में काकरी लखनऊ से अवधेश यादव जी है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पर है। बैठिए बैठिए आप बैठिए, इसमें किसी से पूछना नहीं, खड़े मत रहिए, कुर्सी पकड़िए बैठिए। हमारे पास बांदा से श्री डीएम नारायण जी हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पर है। हमीरपुर से रमाकांति जी हैं, मैं उनको अनुरोध कर रहा हूँ कि भी मंच पर है। अम्बेडकर नगर से अर्चना जी हैं, मैं उनको भी अनुरोध कर रहा हूँ कि मंच पर है। अर्चना जी कौशाम्बी से सिंह भरण जी हमारे बीच में है, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पर है। रायबरेली जी शारदा जी आई समझ चलिए जल नहीं रही मैं कोई साथी छुप तो नहीं है जी कदम के अंदर। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सबको जोरदार तालियों में हमारे एसएमसी सदस्यों के प्रश्नों पर मैंने पहले सत्र आपसे कहा था कि शिक्षा का भार जिनके कंधों पर है, ऐसे डायरेक्टर और एससीईआरटी के डायरेक्टर जिनको गुणवत्ता देनी है वो दोनों हमारे बीच में थे और सारी नीति सारा कानून और सारी दिशा निर्देशों को अपने स्कूल के भीतर जिनको लागू करना है, देख रेख करना है और कुछ सपनों का स्कूल बनाना है, ये हमारे सम्मानित सदस्य उसी एसएमसी जो कानूनी कमेटी है स्कूल प्रबंध समिति के हमारे सदस्य हैं, हमें इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। संचालन के लिए इनसे बातचीत करने के लिए हम हमारे बीच में इस कॉल के हमारे वरिष्ठ साथी श्री मजहर जी हमारे बीच में है, मैं मजहर रसीदी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका बहुत काम रहता है कासूर पे, वो इस सेशन का थोड़ा सा एंकरिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मैं आपको वहाँ आमंत्रित करता हूँ इस पे। हम स्कोर की तरफ से और आए हुए हमारे सभी एसएमसी प्रतिभागियों की तरफ से
ये जो हमारा असली पैनल है इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और आप लोग से चाहेंगे कि हमारे इस विशेषज्ञों के लिए जरूर एक बार ताली बजाएं, क्योंकि अब धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के दौर में मुझे लगता है कि अब जो नीचे की आवाज़ है उनकी सुननी जरूरी है, उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जो सोचने वाले लोग हैं, इसके थिंकर हैं, वो उसके बाद रिएक्ट करें, बातचीत करें तो सबसे अच्छा होगा। इसी क्रम में जैसा कि सुबह से बातचीत हो रही है कि ये एक जो अगर स्कूलों को बचाना है, अगर वास्तव में शिक्षा को अगर बचाना है तो ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त इकाई है हमारे गांव के स्तर पे, इनको हमको कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा और इनके साथ मिल करके काम करना पड़ेगा और यही लोग हैं जो चाहेंगे तो अपने गांव के स्कूल को बचा देंगे। तो मैं इसी क्रम में इस सत्र को आगे बढ़ा रहा हूँ और इस सत्र में हम लोग के बीच में ललन राम जी हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा और मैं चाहूँगा कि कम समय में थोड़ी सी अपनी एसएलसी के बारे में अपनी बात रखें तो अच्छा रहे। ललन जी के ताली बजाइए आपको।